तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन पुलाव की बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसे आप मिनटों में घर के मसालों से तैयार कर सकते हैं बिसमानरिम अलैक्म कैसे हैं जी आप सब मैं हूँ फ़िज़ा और वेलकम करती हूँ आपको लाजवाब पकवान में लाजवाब पकवान में आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बहुत ही अमेजिंग घंटों का काम मिनटों में होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार ये बनकर चिकन पुलाव बनकर रेडी होगा इतना खिला खिला इतना शानदार और नहायत ही खुशबूदार यकीन करें जब आप ये बनाएंगे तो मोहल्ले वाले आपसे पूछने आ जाएंगे कि आपके घर में आज कैसा पुलाव बना है जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में आपने फैलाई हुई है तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं बिसमिल्ला करते हैं चले जी बिस्मिल्लम एक प्यारी सी कढ़ाई लेती हूँ जिसमें ऐड करती हूँ मैं आधा कप ऑयल का आधा किलो चावलों की रेसिपी है इसलिए मैंने आधा कप ऑयल का लिया है इसमें मैंने ऐड किया है तकरीबन दो मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज प्याज को बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन कलर नहीं करना इससे चावलों में बहुत ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगता अब इसमें हम कुछ घर के खड़े मसाले ऐड करते हैं एक तेज़पात एक बड़ी इलायची एक से दो लौंग और चार से पाँच काली मिर्चें एक टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड किया है लहसुन और अदरक का पेस्ट इसको ऐड करने के बाद दो से तीन मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे अब मैं इसमें ऐड करती हूँ स्पाइसेस एक टेबल स्पून लाल मिर्च एक टेबल स्पून नमक हाफ टेबल स्पून हल्दी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद दो से तीन मिनट तक पकाएँगे बिल्कुल लो फ्लेम पर ताकि मसाला जो है हमारा वह जले ना अब इसमें मैं एक टमाटर ऐड करती हूँ बड़े साइज़ का स्लाइसेस में काट कर और कुछ जो है मैं साइड पर रख लेती हूँ जो हम बाद में ऐड करेंगे तीन से चार मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे और अब मैं इसमें ऐड करती हूँ आधा किलो चिकन चिकन ऐड करने के बाद हमने इसको फ्राई करना है तकरीबन चार से पाँच मिनट तक ताकि चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और फिर हमने इसकी बुनाई करनी है थोड़ा सा पानी ऐड करके ताकि चिकन अच्छे से गल जाए बहुत ही मज़ेदार जल्दी और फटाफट से बनने वाली ये पुलाव की रेसिपी है मेहमान जब घर में आए हों या फिर आपने ख़ुद अपने घर के अफराद के लिए मज़ेदार सा चिकन पुलाव और फटाफट से बनाना हो तो ये रेसिपी को लाजमी ट्राई करें जो बहुत ही मज़ेदार भी बनकर तैयार होता है और जल्दी भी बनने वाली ये रेसिपी है तो तकरीबन सात से आठ मिनट तक हमने चिकन को भुनाई की है अब इसमें मैं पानी ऐड करती हूँ तकरीबन तीन गिलास मैंने भर के इसमें पानी की ऐड की है अगर आप सेला चावल यूज़ करते हैं तो आप उसको दो से ढाई घंटे लाजमी भिगो कर रखें लेकिन अगर आप कोई और चावल यूज़ कर रहे हैं तो आप सिर्फ़ उसको पाँच से दस मिनट तक भिगो के रखें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे उसको कवर कर देंगे जब तक पानी में बॉयल नहीं आ जाता तो तकरीबन तो सात से आठ मिनट के बाद पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है अब इसमें मैं चावल ऐड कर लेती हूँ चावलों को आप जो छन्ना होता है इसमें डालिए क्योंकि इससे जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो आपका निकल जाता है और जो आपके चावल होते हैं वो बहुत ही खिले खिले और परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे बहुत ज़्यादा हमने ज़ोर से नहीं मिक्स करने से चावल आपके टूट जाते हैं फ्लेम को मीडियम रखेंगे और अब हम इसमें ऐड करते हैं जो टमाटर हमने बचा के रखी थी इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे ताकि पुलाव के अंदर नज़र आते हुए टमाटर बहुत ही प्यारे लगती हैं दोबारा से इसको कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पर और तकरीबन सात से आठ मिनट के बाद पानी जो है हमारा वो काफ़ी हद तक ट्राई हो गया है और बाकी जो पानी है वो हम बिल्कुल लो फ्लेम पर दम वाली फ्लेम करके इसको ड्राई करेंगे और माशाल्लाह से हमारा जो पुलाव है बिल्कुल परफेक्ट है खिला खिला एक, एक चावल का दाना इतना खिला है और बहुत ही जल्दी और फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी है मज़ेदार पुलाव की रेसपी लाजमी ट्राई कीजिएगा मेहमानों का जब आपने सर्व करने हो दावत में आपने कुछ स्पेशल मज़ेदार बनाना हो और आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि आप क्या बनाएं तो ये पुलाव की रेसिपी लाज़मी ट्राई कीजिएगा इन शाला आपकी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनेगी अगर आप एक, -एक स्टेप को फॉलो करेंगे दम पे लगा देंगे तकरीबन पंद्रह मिनट के लिए और पंद्रह मिनट के बाद हूँ सर्व करते हैं तो माशाला से अलहमदिल्लाहमदिल्ला बहुत ही मज़ेदार बहुत ही खुशबूदार ऐकेदार लज्जत से भरपूर चिकन पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है इसको आप एक दफ़ा बनाएंगे यकीन करें आप बिरयानी को भूल जाएंगे ये पुलाव आपको बिरयानी का जायका देगा इसमें हमने बाजार का कोई भी मसाला यूज़ नहीं किया घर के मसालों से ये मज़ेदार सा पुलाव रेड किया रेसिपी अच्छी लगी हो लाजवा पकवान को जरूर सब्सक्राइब करें इन मिलती हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह दी किबान अल्लाह हाफिज़